राजा प्रतीप बहुत धर्मात्मा थे और उसी समय एक महाभीष नाम का राजा भी धर्मात्मा था। पहले देवलोक मनुष्यलोक और पताल लोक में कोई अंतर नहीं रहता था, जैसे अभी आदमी लोग तीर्थ करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं ना, उसी प्रकार से पहले राजा लोग बैकुंठ चले जाते थे और घूम फिर के आ जाते थे, स्वर्ग लोग चले जाते थे और अब सड़क नाच वाच देख के टाइम पास करके आ जाते थे। एक बार राजा महाभीष देवी का भक्त था, इसी कारण ब्रह्मा जी के लोक पर गया तो वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर बहुत से 33 करोड़ देवता जितनी देवियां हैं ये सब के सब देवियां भी गई रहे। और उसी सभा के बीच में, सभा का मतलब होता है जिस स्थान पर अध्यात्म की चर्चा हो, वही सही मायने में सभा है, नहीं तो फिर दुनिया में पंचायती है। धर्म की चर्चा करो, धर्म की बात करो तो वही सभा है। वहां पर हवा उड़ने के कारण देवी गंगा का दुपट्टा उड़ गया तो सभी जितने पुरुष थे सब लोग शीश को झुका लिए, लेकिन राजा महाभीष देवी गंगा को एकटक देखते रहा और देवी गंगा भी महाभीष को देखने लगी, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, पुंड के प्रताप से तुम ब्रह्मलोक आ गए महाभीष, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं हुई है, अभी भी तुम्हें विषय भोग की कामना है, तो जाओ पृथ्वी लोक पर फिर राजा बन करके राज्य करो, धर्म कमाओ, फिर इस लोक पर आना। और देवी गंगा को बोल दिया कि तुम भी पुरुष को देखकर मोहित हो गई, तो जाओ तुम शादी करो और 8 बच्चा दो, उसके बाद फिर देवी बनोगी।